जैसा हमने कल आपको सारे आंकड़े भी दिखाए थे पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग है उसको लेके, उससे ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो साल दर साल दिल्ली वालों का एनसीआर वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। जैसा हमने कल आपको सारे आंकड़े भी दिखाए थे पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग है उसको लेके, उससे ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो साल दर साल दिल्ली वालों का एनसीआर वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। हमने कल भी आपको डेटा दिखाया था कि किस तरह से 10-12 अक्टूबर के समय वो फार्म फायर्स का स्टबल बर्निंग का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे ही पिछले 3 दिन से वहाँ पर पंजाब में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 2,000, 3,000, 4,000 से एकदम से 100, 125, 90, 70 पे पहुंची, तो पिछले 3 दिन से दिल्ली में हम नीला आसमान और चमकती हुई धूप देख रहे हैं 1.5 महीने के बाद। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली वालों का जो दम घुटता है उसके लिए पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने वाली पराली जिम्मेदार है। अब इस पर एक्शन कौन लेगा, अब इस पराली जलने को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में होने वाला वायु प्रदूषण है, जो दिल्ली में दिल्ली की हवा में दिल्ली में रहने वालों का दम घुटता है, उस समस्या पर एक्शन लेने के लिए ये एयर क्वालिटी कमीशन जिम्मेदार है। तो आज मैंने एक पत्र लिखा है जो एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, और इस पत्र में जो पूरा डेटा है कि दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण अलग अलग समय पे बढ़ा है, ये प्रदूषण पंजाब और हरियाणा में किस तरीके से जो पराली जलाई जाती है उससे जुड़ा हुआ है, और किस तरह से जब ये पराली जलाने के इंस्टेंसेस हम देखते हैं कि जैसे बढ़ने लगे तो दिल्ली में AQI 300 के पार जाने लगा, और जैसे ही पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं कम हुई हैं तो दिल्ली की हवा अब साफ हो गई है। कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, IIT कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। IIT कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया, और एक पूरी साइट डिज़ाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी, और दूसरा एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिज़ाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सरकार के सामने रखी हैं।